एक्सरसाइज 9.4 में हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1-7। यहाँ पहला क्वेश्चन है 1×2+2×3+3+4+4×5… सम टू एन टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज हमें यहाँ फाइंड करना है। आइए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है हमारा एक्सरसाइज 9.4 का पहला क्वेश्चन है 1×2+2×3+3×4+4×5… इस टाइप से है हमारे पास। अब जो है चूँकि यहाँ पर हमें इनका nth टर्म तो दिया नहीं हुआ है, nth टर्म हमें यहाँ निकालना होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे कि an इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पहली वाली सीरीज़ है 1, 2, 3, 4 इसको एक साथ लिखते हैं ऐसे nth टर्म ऑफ 1, 2, 3, 4 …मल्टीप्लाई, चूँकि मल्टीप्लाई सिंबल है, फिर 2, 3, 4, 5। तो यहाँ nth टर्म ऑफ 2, 3, 4, 5 …। अब यहाँ पर जो है ये एक सीरीज़ बन रही है आपकी, इधर ये एक सीरीज़ बन रही है, तो दोनों का जो है हम लोग निकालेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारा a की वैल्यू 1 है, 1+n-1 × d, कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, इंटू यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, n-1 × d क्या है 1 है। इसको अगर सॉल्व करें तो ये 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n बचेगा, और यहाँ से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -1 और +2 यानी +1, तो ये n+1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास n² + n, दिस इज an। और हमें क्या चाहिए, समेशन, तो s=σan। तो यहाँ पर अब an की वैल्यू रख देंगे σn² + n, तो ये हो जाएगा σn² + σn। अब σn² हमें पता है क्या होता है, दिस इज n+1 2n+1/6 एंड दिस इज n+1/2। इनका अब एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कॉमन मिलेगा उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा n+1/2 कॉमन मिल गया हमको, तो यहाँ से मिल जाएगा 2n+1/3 और यहाँ +1 हो जाएगा। अब इसको जो भी अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा n+1 और यहाँ से ये 3 और ये 4 हो जाएगा, तो 2n+4/6। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n+1, दिस इज n+2 और ये हो जाएगा हमारा /3। तो यही हमारा जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब पहले के बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें ही कह रहा है हमसे कि यहाँ पर जो है दूसरे क्वेश्चन में जो सीरीज़ दी हुई है 1×2×3 है, 1×2×3+2×3×4+3×4×5 …। यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो सीरीज़ है वो 1, 2, 3 फिर 2, 3, 4 है, फिर 3, 4, 5 है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से an=nth टर्म ऑफ 1, 2, 3…(nth टर्म ऑफ 2, 3, 4…) तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1, 2, 3 का, तो अभी फिर से उसी तरीके से a की जगह 1+n-1 × d, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 है +n-1 × d, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3 है +n-1 × d। इसको अगर करते हैं तो यहाँ से 1 तो 1 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा, यहाँ से n+1 बचेगा और यहाँ से हमारा n+2 बचेगा। इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा n और ये n² और यहाँ से n और ये 2n 3n हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और n का भी इसमें मल्टीप्लाई कर दें n³ 3n² + 2n हो जाएगा। अब उसके बाद जो है इसका भी जो है समेशन निकाल लें, s=σan, दिस इज समेशन n³ + 3n² + 2n।
तो ये हो जाएगा सिग्मा एन क्यूब प्लस सिग्मा, 3 बार ले लेते हैं एन स्क्वायर प्लस 2 बार ले लें सिग्मा एन। तो यहाँ से एन क्यूब का हमारे को सीधे से फार्मूला जो है पता है, एन एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, और यहाँ से 3 एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 बाई 6 प्लस 2 और ये होता है एन एन प्लस 1 बाई 2, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से जो है एन एन प्लस 1 बाई 2 सभी में कॉमन ले लें, तो एन एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा एन एन प्लस 1 बाई 2 प्लस, और यहाँ से अगर देखें तो ये चीज़ तो कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ 3 बचेगा और ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 2 मैं कर देता हूँ, तो ये 2 बाहर कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर बचा हमारे पास एन 2n प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2n प्लस 1, जो कि एन एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन, तो यहाँ केवल 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको जो है आगे सॉल्व करें हम लोग, तो ये एन एन प्लस 1 बाई 2 ये हो जाएगा हमारे पास एन एन प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर 2n 2n प्लस 3, फिर ये हो जाएगा n n प्लस 1 बाई 2 और ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, दिस इज 4n प्लस 6 बाई 2, तो ये हो जाएगा n n प्लस 1 बाई 2 और ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 बाई 2, ये हो गया हमारे पास। तो अभी इसको जो है अगर और सिंपलीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा n n प्लस 1 और n n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 का क्या होता है n प्लस 2 और n प्लस 3 होता है फैक्टराइज करेंगे तो, क्योंकि 3 2 जाए 6 और 3 प्लस 2 5 और y 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड के बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका जो सीरीज दिया हुआ है वो कह रहा है 3 × 1² प्लस 5 × 2² प्लस 7 × 3² तो यहाँ पर जो है सिंपली तो 3 × 1² 5 × 2² प्लस 7 × 3² प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस सीरीज़ को तो यहाँ पर भी उसी तरीके से an निकालेंगे, an हमारा हो जाएगा nth टर्म ऑफ 3 5 7 इंटू nth टर्म ऑफ 1 2 3 डॉट डॉट का ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास a यानी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 5 माइनस 3 2 इंटू a 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा n 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल n बचेगा n स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा 2n ब्रैकेट में लिखते हैं 2n प्लस 1 और ये हो जाएगा इंटू n स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर, तो 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर हमारा ये आ चुका है। अब इसको हम लोग फिर से समेशन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Sn s इक्वल टू समेशन an, दिस इज समेशन 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बार समेशन n क्यूब प्लस समेशन n स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 n n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा n स्क्वायर है यानी n n प्लस 1 2 n प्लस 1 बाई 6। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, तो n n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो है हमको मिल जाएगा 2
एन एन प्लस वन बाई टू, और इधर से हमको मिल जाएगा टू एन प्लस वन बाई थ्री, ये चीज़ मिल गई। अब उसके बाद यहाँ से तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, थ्री होगा, यहाँ थ्री से मल्टीप्लीकेशन करेंगे एन एन प्लस वन बाई टू, और ये हो जाएगा हमारा थ्री एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन प्लस वन बाई थ्री, तो ये हो जाएगा हमारा एन एन प्लस वन बाई टू, दिस इज थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू फाइव एन प्लस वन बाई थ्री, तो ये हो जाएगा हमारा एन एन प्लस वन बाई टू इंटू, और ये थ्री एन स्क्वायर है और यहाँ वन है, तो इसका अगर फैक्टर करेंगे हम तो थ्री एन इसको लिख सकते हैं, और यहाँ से अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये हमारा हो जाएगा थ्री एन प्लस टू एन बनेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर अगर फाइव एन को हम लोग कुछ और लिखें जिससे कि हमारा जो है फैक्टर बन पाए, तो या फिर इसी फॉर्म में आंसर आ रहा होगा तो इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं, थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस वन बाई ये थ्री टू जस सिक्स, बस यही आंसर आपका हो गया। थर्ड के बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फोर्थ वन अपॉन वन क्रॉस टू प्लस वन अपॉन टू क्रॉस थ्री प्लस वन अपॉन थ्री क्रॉस फोर प्लस डॉट डॉट, तो इसको भी करते हैं हम लोग, वन अपॉन वन क्रॉस टू प्लस वन अपॉन टू क्रॉस थ्री प्लस वन अपॉन थ्री क्रॉस फोर प्लस डॉट डॉट, तो इसको अगर हम लोग करें तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली, इसके लिए भी उसी तरीके से nth सीरीज निकालेंगे कि क्या होगा nth टर्म इसका, तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन, ये हो जाएगा हमारा वन टू थ्री, देखिए यहाँ पर तो nth टर्म ऑफ वन टू थ्री डॉट डॉट मल्टीप्लाई nth टर्म ऑफ टू थ्री फोर डॉट डॉट, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए यानी वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू माइनस वन वन इंटू, ये हो जाएगा हमारा ए यानी टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा वन अपॉन एन और ये हो जाएगा हमारा एन प्लस वन, तो यहाँ से आगे बढ़ें अगर तो ये वन अपॉन एन एन प्लस वन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसमें जो है एन जोड़ दें और घटा दें, तो वन प्लस एन और माइनस एन अपॉन एन एन प्लस वन, तो और इसको ऐसे सेपरेट कर दें अगर, तो सेपरेट करके कैंसिल आउट करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा वन अपॉन एन माइनस एन एन कट जाएगा, यहाँ बचेगा एन प्लस वन, ठीक है ना। इसको इसके साथ सेपरेट पहले किया इधर, फिर इसको इसके साथ सेपरेट कर दिया अलग, तो ये हमारा आ गया। अब इसका जो है हम लोग करते हैं नेक्स्ट पेज से, यहाँ पर हो नहीं पाएगा इतने में, तो ये हो जाएगा हमारा ए एन की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो अब क्या करते हैं पुट एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा पहला ए वन, तो एन की जगह हमारा वन है, तो वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन वन प्लस वन यानी टू, फिर ए टू है तो ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री, ए थ्री है वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फोर डॉट 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 डॉट, ए एन हो जाएगा हमारा वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं इन सारे टर्म्स को एक साथ ऐड कर देते हैं, इन सारों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ मैं लिखूँगा एडिंग ऑल दीज टर्म्स, ऑल दीज टर्म्स, तो ये हो जाएगा हमारा एस इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए यानी वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन टू, वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फोर प्लस डॉट डॉट प्लस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वन अपॉन टू ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और इधर से हम देखेंगे तो पहला और लास्ट का टर्म हमारा
बचेगा, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन बचा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी, ये और ये बचेंगे। इसको सॉल्व करेंगे आप तो एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली एस इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ में कह रहा है फाइव स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ट्वेंटी स्क्वायर, इसको भी करते हैं हम लोग, फाइव स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ट्वेंटी स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वन टू फोर यहाँ गायब है, तो वन टू फोर ऐड कर देते हैं इसमें और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली इसको मान लेते हैं, सबसे पहले लेट एस इज इक्वल टू, आप हर एक में लेट एस इक्वल टू ऐसे हर एक में जो सीरीज दी उसको मान लीजिएगा, मैं लिखा नहीं हूँ आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये लेट एस इज इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पर जो है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर ये जोड़ दिया, फिर इधर से फाइव स्क्वायर सिक्स स्क्वायर सेवन स्क्वायर प्लस ट्वेंटी स्क्वायर, फिर यहाँ से घटा दिए माइनस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक की जो वैल्यू है वन स्क्वायर से लेकर के ट्वेंटी स्क्वायर तक की, ये हमारी जो है सीरीज बन रही है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स की, ठीक है, सिग्मा एन स्क्वायर की। तो यहाँ पर एन क्या है, ट्वेंटी है, तो ये फार्मूला जो अभी मैंने लिखा था एन एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई सिक्स ये लगेगा। तो यहाँ n की जगह क्या है 20 है, तो यहाँ 20 रख देते हैं 20, फिर 20 प्लस वन 21 और यहाँ पर 20 इंटू टू 40 प्लस वन 41 बाई सिक्स और यहाँ माइनस, यहाँ पर उसी तरीके से चूँकि यहाँ चार टर्म तक बस गया, तो यहाँ पर जो है सिंपली जो है हमारा पहले से यहाँ पर स्टार्टिंग में 4 फिर 5 फिर 4 टू जाए 8 प्लस 1 9 तो 4 5 9 बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 6 6 है तो काटना उचित नहीं, नहीं फिर बाद में सिम लेने दिक्कत होगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा हमारा 17220 बाई 6 और इसको करेंगे 29180 तो ये हो जाएगा 180 बाई 6 तो ये हो जाएगा हमारे पास, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2840 आपको आंसर मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। फिफ्थ के बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिक्स्थ में कि यहाँ पर आपको कह रहा है 3x8 प्लस 6x11 प्लस 9x14 और प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर अगर इसको करें तो ये हो जाएगा हमारा 3x8 यहाँ ऐसे ही लेट एस इज इक्वल टू 3x8 प्लस 6x11 प्लस 9x14 प्लस डॉट डॉट, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर ए एन की बात करें तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास nth टर्म ऑफ 369 डॉट डॉट मल्टीप्लाई nth टर्म ऑफ 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ए हमारा 3 यानी 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 कैंसिल आउट ये 3n और यहाँ से ये हो जाएगा 5 प्लस 3n ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें मल्टीप्लाई अगर करें तो ये हो जाएगा 15n प्लस 3 9n स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो s इज इक्वल टू समेशन ए एन दिस इज समेशन 9n स्क्वायर प्लस 15n, तो 9 बार समेशन n स्क्वायर फिर 15 समेशन n, तो ये हो जाएगा हमारा 9n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 15 इंटू एन एन प्लस 1 बाई 2, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करें एन एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 2 तो कॉमन लिया, यहाँ 3 हो गया 3 से 3 3 3 बचेगा, तो यहाँ 2 एन प्लस 1
और यहाँ पर हमारा 15 एन एन ये 15 बस बचेगा, क्योंकि ये तो पूरा कॉमन ले चुके हैं। अब इसको जो है सॉल्व और सिंपलीफाई अगर करें तो एन एन प्लस 1 बाई 2 और यहाँ से 2n 6n होगा और ये 3 और 15 18 है ना, तो 18 हो जाएगा। तो ये लिख देंगे हम लोग 3 2 6 n प्लस 18। अब यहाँ से भी 3 कॉमन 6 कॉमन मिल रहा है, 6 कॉमन ले लेते हैं और ये 2 3 या फिर 6 तो 3n n प्लस 1 और ये n प्लस 3, यही हमारा आंसर हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ 6। अब देखिए 6 के बाद हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 7th है, ये कह रहा है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस .. ठीक है, आइए इसको भी करते हैं हम लोग 7th वाले को। 6th के बाद हमारा 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस .. ये है हमारे पास। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू, ऐसे लेट s इज इक्वल टू यही मान लो या बार बार लिखा जाए, तो ये an हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर अगर an की बात करें तो यहाँ हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि जो लास्ट हुआ बनेगा वो क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर .. प्लस n स्क्वायर, लास्ट वाला यहाँ पर बन के आएगा लास्ट n के टर्म में, तो ये हमने an मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को समेशन n स्क्वायर, दिस इज an। तो इसका मतलब क्या हुआ, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब इसका भी अगर मल्टीप्लाई करें तो n 2n स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3n प्लस 3 प्लस लगाए प्लस 3n प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा। अब इस n का भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इस n का भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास an इक्वल टू 1/6 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस n, ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n हो गया हमारे पास। अब जो है इसके बाद s इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास समेशन an, दिस इज 1 बाई समेशन an है, यानी 1 बाई 6 बार समेशन 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, तो ये हो जाएगा 1 बाई 6, 2 बाहर लिया कॉमन समेशन n क्यूब प्लस 3 बाहर लिया कॉमन समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n। अब इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/6 2 इंटू, अब ये हो जाएगा हमारा n n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 और n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस n n प्लस 1 बाई 2। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर इनका जो है इनमें कॉमन n n प्लस 1 बाई 2 मिल रहा है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू n n प्लस 1 बाई 2 प्लस 3 इंटू 2 n प्लस 1 बाई 2 कॉमन चूँकि लिए हैं तो यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से 3 3 कैंसिल 2 2 कैंसिल हो गया 1 बाई 12 और ये हो जाएगा n n प्लस 1 और इधर से n स्क्वायर प्लस n और यहाँ से 2n प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई 12 n n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद 1/12 n n प्लस 1 और इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास n प्लस 2 n प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा n n प्लस 1 का स्क्वायर n प्लस 2 बाई 12,
तो ये हमारा आंसर हो गया। सेवन्थ के बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 8-10 हुज nth टर्म्स इज गिवन बाई। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है एट्थ में आपको जैसे यहाँ हम लोग an निकालते थे और फिर सम करते थे, यहाँ पहले ही an दे दिया है, केवल आपको समेशन करके निकालना है, ठीक है। तो ये और इजी कर दिया है भाई। देखिए एट्थ में सिंपली an आपको दिया हुआ है n+1 n+4, तो s इज इक्वल टू समेशन an, दिस इज समेशन, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा n, और यहाँ से n स्क्वायर, ये n n और ये 4n यानी 5n+4, तो ये हो जाएगा समेशन। इसको अगर n से भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो n³+5n² + 4n। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करें, समेशन n³+5 समेशन n² + 4 समेशन n, तो ये हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5n(n+1) 2n+1/6 और इधर हो जाएगा 4n(n+1/2, तो ये हमारा हो जाएगा n(n+1/2 और इधर से हो जाएगा n(n+1/2 और इधर से ये हमको मिल जाएगा 5/3 और यहाँ 2n+1 और यहाँ से हमको मिल जाएगा 4। अब इनका जो है आप कैलकुलेशन कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा n(n+1/2 और इधर से अगर देखें तो ये 3n² + n होगा, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ देखें तो ये 10 2n+1 हो जाएगा और यहाँ से देखें +24/6 हो जाएगा। तो इसको और कैलकुलेट करें, इसको इधर ही कर देते हैं कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा n(n+1) और इधर से ये 3n² और यहाँ से देखिए 3n और ये 20n यानी +23n हो जाएगा और यहाँ से ये 10 हो जाएगा और ये 24, तो ये हो जाएगा 34 और अपॉन में 12, तो यही आपका 6 2 12 यही आपका आंसर हो चुका है। तो इस तरीके से आपका 8th क्वेश्चन और इजी तरीके से हो गया। 8th के बाद देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं 9th क्वेश्चन के लिए हम लोग। तो 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है n² + 2n, ठीक है, तो इसको भी करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा है an = n² + 2n, तो s इक्वल टू हो जाएगा समेशन an, दिस इज समेशन n² + 2n, तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन n² + summation 2n, तो ये हो गया हमारे पास n(n+1) 2n+1/6 और इधर से अगर देखें तो ये हो जाएगा 2^1 2^2 ……+2n, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो वैसे ही है n(n+1) 2n+1/6 और ये हमारा हो जाएगा 2 2^(n-1)/2-1, ये हो जाएगा हमारे पास n(n+1) 2n+1/6 + 2 2^(n-1), दिस इज s, यही आपका आंसर हो गया। 9th के बाद आप देखिए 10th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दिस इज an = 2n-1² तो ये हो जाएगा s = summation an, दिस इज समेशन 4n² + 1-4n, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 summation n² + summation 1 और -4 summation n, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4n(n+1) 2n+1/6, दिस इज n, -4n(n+1)/2। अब इसका जो है सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n में से सब में n कॉमन n ले लेते हैं पहले कॉमन, फिर यहाँ से ये 2 और ये 3,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n+1 बाई 3, और यहाँ से प्लस 1 माइनस, और ये 2n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये टू कैंसिल, 2 बचेगा केवल। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं, और तो ये हो जाएगा n, और ये 2, और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n², और ये 2n और n 3n+1, ठीक है। और यहाँ से प्लस 3 माइनस 2n-2, और ये ब्रैकेट हमने लगा दिया, और इसमें यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं, अपॉन दिस इज 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास n, और ये 2 मल्टीप्लाई कर देगा 4n², दिस इज 6n+2, दिस इज प्लस 3, और 3-2 1 लिख देते हैं डायरेक्ट, दिस इज 1-2n, एंड अपॉन में 3। एक बार और मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा n, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 6n और ये हमारा 2n, सॉरी यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो 3 × 2 = 6n होगा, ये 6n और ये -6 होगा, तो 6n ये हो गया, और ये -6 है, तो ये -3 आएगा यहाँ पर, 3 और -6 -3, अब सही है। तो ये 6n कैंसिल आउट हो गया, और 2 - 3 - 1 हो जाएगा, यानी 4n² - 1/3 हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n - 1 2n+1/3, a² - b² के फॉर्मूले से। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। 10th के बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट ख़त्म है इसके बाद। अब इसके बाद मिसक्लेनियस है, तो मिसक्लेनियस में हमारा ये जो जितने भी एग्जांपल चल रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ इसको ज़रूर लगाइएगा आप, क्योंकि IIT JEE के रिस्पेक्टिव से ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जांपल 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो IIT JEE में भी पूछा गया है, तो एग्ज़ाम्पल जो है NCERT के ज़रूर लगाइए। तो आइए हम लोग मिसक्लेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 पे पहुँच चुके हैं, इसको करते हैं, कैसे करेंगे। तो मिसक्लेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, सो डेट द सम ऑफ m+nth एंड m-nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। तो आइए इसको देखते हैं, मिसक्लेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9, ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, सो डेट द सम ऑफ m+nth एंड m-nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म, यानी आपको सिंपली जो है प्रूफ करना है कि am+n + am-n इक्वल टू 2 times of am, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसका LHS लेकर के चलता हूँ, am+n और am-n। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो ये हो जाएगा हमारा a+m+n-1 × d + a+m-n-1 × d, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो a 2a हो जाएगा, और ये d कॉमन है, तो इसमें से प्लस, और ये हो जाएगा m+n-1, और ये हो जाएगा हमारा m-n-1, दिस इज d कॉमन। तो यहाँ पर देखें तो प्लस n और माइनस n क्या है, कैंसिल आउट हो गए, और ये हो गया हमारा 2a + m + m क्या है, 2m-2 × d। तो ये हो जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा a+m-1 × d। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हमारा क्या हो जाएगा a+m-1 × d, यानी ये am होता है। तो यही हमको प्रूफ करना था, दिस इज इक्वल टू RHS। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। तो फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा मिसक्लेनियस में, कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। कह रहे हैं सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 24, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट क्या है 440। तो मान लेते हैं जो 3 नंबर्स हैं, लेट
the three numbers b a minus d a a plus d. अब इन तीनों का सम गिवन में क्या है कि इन तीनों का सम यानी इट इज़ गिवन ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए और ये a प्लस डी. ये आपको गिवन में है कि ये आपका 24 के इक्वल है. तो यहाँ से डी डी कैंसिल हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 24 देयरफॉर a इज इक्वल टू 3a 24 यानी a की वैल्यू 8 आ गई हमारी. अब यहाँ से इनका जो प्रोडक्ट है ये आपको दिया हुआ है कि 440 के इक्वल है. तो इट इज़ आल्सो गिवन डैट यहाँ आप लिख लीजिएगा इट इज़ आल्सो गिवन डैट प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री नंबर्स इज इतना. तो यहाँ a माइनस डी इंटू ए प्लस डी दिस इज इक्वल टू 440. तो यहाँ से a की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं. तो ये 8 माइनस डी इंटू एट प्लस डी दिस इज 440. तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा 64 माइनस डी स्क्वायर और ये 440 बाई 8 ये हो गया हमारा. तो ये हमारा हो जाएगा 8 5 40 5 40. तो ये डी स्क्वायर हो गया 64 माइनस 55 दिस इज 9 देयरफॉर 9 डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. तो डी प्लस माइनस 3 आ गया. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन ए इज इक्वल टू 8 और डी कॉमन डिफरेंस प्लस 3 हो तो सीरीज क्या बनेगी 8 माइनस 3 यानी 5 फिर 8 और फिर 8 प्लस 3 11 और व्हेन a इज इक्वल टू 8 d इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाए तो क्या बनेगा यहाँ पर d माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ. तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 11 फिर 8 और फिर 5. तो ये हमारे दो टेस्ट सीरीज बन गए. यही हमारा आंसर हो गया थ्री नंबर्स के. अब सेकंड के बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है. थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है लेट द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन ए पी बी एस वन एस टू एस थ्री रेस्पेक्टिवली सो डैट एस थ्री इज इक्वल टू 3s2 माइनस एस वन. ठीक है तो यहाँ पर जो है एस वन आपको दिया हुआ है n. सबसे पहले एस वन इज इक्वल टू n यानी सम ऑफ n टर्म्स इसका मतलब हुआ एस वन. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सम ऑफ n टर्म्स पूरा लिख देता हूँ और एस टू सम ऑफ 2n टर्म्स और एस थ्री सम ऑफ 3n टर्म्स. तो इनका जो है अगर फॉर्मूला लिखें तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसका लिखें तो ये हो जाएगा 2n बाई टू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी और इसका लिखें तो ये हो जाएगा 3n बाई टू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी ये हो जाएगा हमारा. ठीक है अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें यहाँ s1 s2 ये हो गया तो यहाँ पर हम लोग s3 इज इक्वल टू 3s2 माइनस s1 प्रूव करना है. तो इसका RHS ले लेते हैं RHS 3s2 माइनस s1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 3s2 हमारे पास यहाँ से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन अभी नहीं करते हैं इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस s1 ये हो जाएगा हमारे पास n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये हो गया हमारे पास दिस इज 3 और ये हो जाएगा n कॉमन है तो n बाई 2 कॉमन ले लिया हमने तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4a दिस इज 4nd और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2d ये हो गया और यहाँ से अगर करें तो ये हो जाएगा माइनस 2a और ये हो जाएगा माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी. ठीक अब ये 3n बाई 2 4a माइनस 2a 2a 4nd और ये nd माइनस nd तो 5nd सॉरी 3nd हो जाएगा
तो प्लस थ्री एन डी, और यहाँ से और क्या बच रहा है, यहाँ से प्लस डी और ये माइनस टू डी, तो माइनस डी बचेगा, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं थ्री एन बाई टू टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू डी, तो यही तो हमारा एस थ्री है। तो इसे एस थ्री देखिए यहाँ थ्री एन बाई टू, थ्री एन बाई टू टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू डी, तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ आ रही है, तो यानी ये एल एच एस के इक्वल आ रहा है। दिस इज प्रूफ। थर्ड के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 7, जो कि 7 से डिविजिबल हो। सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400, तो 200 से 400 के बीच में जितने भी नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं उनका सम जो है आप निकालिए। तो यहाँ पर देखिए 200 तो डिविजिबल है नहीं, तो कैसे हम लोग नेक्स्ट पता करें, तो आप क्या कीजिए कि सिंपली जो है 7 को ऐसे 200 से डिवाइड कीजिए, तो ये क्या आएगा 7 टू जा 14, ये 6 और 0, तो यहाँ पर जो है 7 8 जा 56, ठीक है, तो 56 आ रहा है, यानी ये होगा हमारा 4 रिमाइंडर है। तो 200 में अगर 4 घटा दिया जाए तो 196 आएगा, और 196 चेक करते हैं 7 से डिविजिबल है, तो 7 टू जा 14 और 7 8 जा 56 तो है। अब हमें तो 200 से 400 के बीच में चाहिए, तो 196 में 7 जोड़ दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 7 6 13 और 9 1 10 203, यानी जो 7 से डिविजिबल होगा 200 के बाद वो क्या होगा 203 होगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए 203, फिर 7 और जोड़ दीजिए 210, फिर 7 और जोड़ दीजिए 217, ये सारे वैल्यूज़ जो है डिविजिबल होंगे 7 से। अब हमें लास्ट टर्म अगर लिखना है तो इसमें भी वही ट्रिक अपनाएंगे कि 400 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो 7 3 जा 27, 4 जा 27, 5 जा 35, फिर 5 कैरी 50, 7 7 जा 49, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, तो 1 ही 1 को 400 से घटा दीजिए, यानी 399 जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज हो गई। अब यहाँ पर ए हमको दिया हुआ कॉमन डिफरेंस पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ए एन इज़क्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन क्या है 399, दिस इज इक्वल टू 203 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 399 माइनस 203, तो ये हो जाएगा 196, दिस इज एन माइनस वन इंटू 7, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन, दिस इज 196 बाई 7, तो ये हो जाएगा हमारा 28, तो ये एन इक्वल टू हो जाएगा 28 प्लस 1, दिस इज एन इक्वल टू 29, तो ये हो गया हमारा। अब एस निकाल लेते हैं, एस एन दिस इज एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 29 बाई टू, दिस इज ए है हमारे पास 203, तो 2 गुणे 203 प्लस, और यहाँ पर 29 माइनस 1 हो जाएगा, तो 28 इंटू 7, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 29। अच्छा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 29 हो जाएगा केवल, यहाँ 203 प्लस 14 इंटू 7 हो जाएगा। अब इसको जो है आप ऐड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली सॉल्व करने पर 8729 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका हो गया है। फोर्थ के बाद देखिए नेक्स्ट जो है आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है फिफ्थ में फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डेट आर डिविजिबल बाई 2 or 5, 2 or 5 से क्या हो डिविजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम 2 or 5 का देखेंगे, और एलसीएम जो 2 or 5 का आएगा वही जो है बताएगा कि जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे है सिंपली यहाँ पर है फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 एट आर डिविजिबल बाई 2 or 5, तो 1 से लेकर के 100 के बीच में
जो कि दो से पहले डिविजिबल हो वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो डिविजिबल बाई टू ओनली, तो क्या होगा, दो चार छः आठ ऐसे करके होगा, ठीक। ये तो दो से डिविजिबल हो गया। अब दो से डिविजिबल का या तो दो से हो और फाइव से हो, तो इसका भी निकाल लेते हैं, दिस इज। इसके बाद इसका जो है ए एन निकाल लेते हैं, तो ए एन इज्क्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हो गया हमारे पास 100, दिस इज 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी है हमारे पास 4 माइनस टू 2। तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 2 यानी 98, और ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू टू, टू से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 49, दिस इज एन माइनस वन, दिस इज एन इज्क्वल टू 50, एन इज्क्वल टू हमारा क्या आ गया 50। तो एस 50 क्या हो जाएगा हमारा, एन बाई टू यानी 50 बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 2a, a क्या है हमारे पास 2, प्लस एन माइनस वन यानी 50 माइनस वन इंटू डी, डी क्या है हमारे पास 2, ये हो गया। तो अब इसको भी हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50, और ये 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 प्लस, और ये 49, और 2 से 2 नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो 50 इंटू 51, यही होगा हमारे पास 50 इंटू 51। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 5 25 0, तो 2 5 5 0 आपका एस 50 आ गया। अब उसी तरीके से अब ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि डिविजिबल हो 5 से, तो डिविजिबल बाई 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 10 15 20 डॉट डॉट 100, ठीक है। अब इसमें जो है हमको देखो पहला टर्म दिया हुआ 5, कॉमन डिफरेंस भी 5, तो ए एन हमारा क्या हो जाएगा, ए एन इज्क्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एन क्या है 100 है, तो 100 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा 95 अपॉन 5, दिस इज एन माइनस वन, तो ये 19 हो जाएगा, और 19 प्लस 1 20, तो n 20 आ गया। तो ये s 20 कितना हो गया हमारा 20 बाई 2, दिस इज 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 10, दिस इज 10, दिस इज 19 इंटू 5 95, दिस इज इक्वल टू 10, और ये हो गया हमारा 105। तो ये हो जाएगा हमारे पास एस 20 1050, ये हो गया। अब एलसीएम अगर हम लोग देखें 2 और 5 का एलसीएम हमें 10 मिल जाएगा एलसीएम, तो हम लोग यहाँ पर अब जो है वो नंबर लिखते हैं जो कि 10 से डिविजिबल होते हैं। यहाँ लिखेंगे नंबर विच इज डिविजिबल बाई 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 से लेकर 100 तक के बीच में 10 20 30 डॉट 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 100, ये होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर n की वैल्यू तो साफ साफ दिख रही है कि 10 20 30, यानी n क्या है 10 है, a क्या है 10 है, d क्या है ये भी 10 है। तो s 10 क्या हो जाएगा, n बाई 2 यानी 10 बाई 2, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, दिस इज 20, दिस इज 90, तो 90 और 20 क्या हो गया हमारे पास 110, तो 5 × 110, तो ये हो गया हमारा 550, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जो 2 से डिविजिबल होंगे वो निकाल लिए, जो 5 से डिविजिबल होंगे वो निकाल लिए, और जो इन दोनों से ही डिविजिबल होंगे वो निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू आपका 2550, इसको जोड़ लेंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे 1050 को,
और इसमें इसको इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा होगा जो दोनों में ही कॉमन है। और हमें क्या चाहिए, या तो दो से हो या तो फाइव से हो, ठीक है, दोनों से ही ना हो, या तो दो से हो या तो फाइव से हो। तो ये हमारा आ जाएगा 3600 माइनस 550, दिस इज 3050, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ के बाद सिक्स्थ की ओर। तो सिक्स्थ में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय फोर यील्ड्स वन एज रिमाइंडर। जब हम लोग इसको फोर से डिवाइड करें तो वन जो है हमको रिमाइंडर में मिले, ठीक है, और सम ऑफ टू डिजिट नंबर कह रहा है। तो आइए इसको भी करते हैं हम लोग सिक्स्थ में। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए अगर फोर का जो भी मल्टीपल्स है उसमें जो है हम लोग वन जोड़ देंगे तो रिमाइंडर ऑटोमेटिक वन हो जाएगा। जैसे 12 है, दो डिजिट में 12 है, 4 3 12, अब 12 में एक जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वन तो आना तय है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी उसका टू डिजिट है यानी 12, उसमें एक जोड़ दो तो रिमाइंडर वन मिल जाएगा। फिर जो है 16 है तो उसमें एक जोड़ दो, 4 4 16, फिर 4 5 20 + 1, तो इन ऐसे करेंगे आप तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। फिर लास्ट में 96 + 1, अब ये इनको जोड़ेंगे तो सीरीज क्या मिली, 13 17 21 97, ये सीरीज मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए क्या है 13 और यहाँ पर डी क्या है 17 - 3 = 4 और लास्ट वाला टर्म क्या है 97। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ए क्या है हमारे पास, an = a + n - 1 × d, तो ये 97 13 n - 1 × d। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 97 - 13 = 84, दिस इज n - 1 × 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 n - 1, तो n = हो जाएगा 21 + 1, दिस इज 22। तो s = हो जाएगा हमारे पास 22 / 2 2a + 22 - 1 × d, डी क्या है 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11, दिस इज 26 + 21 × 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 26 + 84, ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 × 110, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1210, दिस इज आंसर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सिक्स्थ के बाद आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की ओर। तो सेवन्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इफ़ एफ इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग fx + y = fx(fy) फॉर ऑल x, y इज द एलिमेंट ऑफ n सच डेट f1 = 3 एंड समेसन x = 1 to n fx = 120, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर n की वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग सिक्स्थ के बाद हमारा नेक्स्ट है सेवन्थ, इसको करते हैं हम लोग। तो सेवन्थ में सिंपली हमको एक तो रिलेशन दिया हुआ है fx + y fx × fy, ठीक है, तो इसका तो हम लोग यूज़ करने ही करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये x और y जो है क्या है, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब कह रहा है कि f1 जो है 3 है गिवन में, तो बताइए समेशन x = 1 to n fx अगर 120 है तो n की वैल्यू क्या होगी। यहाँ मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ x = 1 और y = 1, तो यहाँ अगर रखेंगे तो ये 1 + 1 हो जाएगा, दिस इज f1, दिस इज f1। तो f1 क्या है हमारे को दिया हुआ है 3 है, ये 3 × 3, दिस इज f2 आ गया, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 आ गया f2, f2 हमारे पास 9 आ चुका है। फिर से पुटअप कीजिए, पुट x = 2 y = 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास f2 + 1, दिस इज f2 × f1, तो ये हो जाएगा हमारे पास
F2 हमारे पास 9 है और F1 3 है, तो ये F3 हो जाएगा हमारे पास 27, ठीक है। अब ये जब 27 आ चुका है तो हमारे पास इसी तरीके से F4 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पुटअप कीजिए, पुट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1, तो F4 हो जाएगा हमारे पास F3, और ऐसे पूरा लिख देता हूँ मैं, यानी F3 प्लस 1 F4 हो जाएगा। दिस इज F3 इंटू F1। F3 क्या है 27, F1 क्या है 3, दिस इज 81। तो ये हमारा F4 आ गया। तो यानी हमारे पास एक काम भर की सीरीज़ मिल गई है कि पहले 3 था F1, फिर हमारा 9 आया, फिर 27 आया, फिर 81 आया, और इस टाइप से ये बढ़ रहा है। तो ये जो है कब तक जा रहा है, ये जो है हमारा nth टर्म तक जा रहा था। तो अभी इस सीरीज को हम लोग इसमें कैसे लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ गिवन में कि समेसन x इक्वल टू 1 to n fx 120 है, तो यहाँ अगर x की जगह 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा f1, 2 रखेंगे f2, f3, f4 प्लस डॉट 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 प्लस fn, दिस इज 120, ओके। तो ये हो गया 120। तो यहाँ से जो है nth टर्म तक ये चूँकि जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 3, 9, 27, 81 प्लस अप टू n टर्म्स, दिस इज 120। यही चीज़ हमने यहाँ लिखी थी, ऐसे आई है, ठीक है। अब उसके बाद इसको जो है सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा हमारा, चूँकि ये देख रहे हैं हम लोग कि इनका कॉमन रेशियो 3-3-3 मिल रहा है, यानी ये GP है, तो GP में हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू आर, यानी 3 की पावर n-1, और ये हो जाएगा 120। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर n-1, दिस इज 40, 3-4 जो हाँ 40, ये हो जाएगा हमारे पास। और मैंने समेशन निकालना था, गलत कर रहा हूँ मैं इसका an टर्म लिख रहा हूँ, समेशन लिखना है इसका। तो a हो जाएगा हमारे पास 3 r, यानी 3 की पावर n-1 upon 3-1, दिस इज 120। अब ये 3-1 2, यानी 240 हो जाएगा, दिस इज 240, दिस इज 3n-1 upon 3, दिस इज 80। तो ये हो जाएगा 3n = 80 + 1 = 81। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, तो n = 4, यही हमारा पूछ रहा था, मान के बताइए n की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IIT JEE में भी NCERT का पूछा गया है। तो 7th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 7th के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ GP 315, उस फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर 5-2, फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, ठीक है। लास्ट टर्म पूछ रहा है, नंबर ऑफ द टर्म्स पूछ रहा है, और सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ GP 315 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं अपनी तरफ से कि GP है, अपनी तरफ से GP मान लेते हैं, लेट द GP बी ये हो जाएगा a r square a r cube dot 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 a r की पावर n-1। तो यहाँ a इक्वल टू क्या हो गया 5, r इक्वल टू क्या हो गया 2, और sn क्या हो गया 315, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास sn की वैल्यू a यानी 5, और ये हो जाएगा 2 की पावर n-1 upon 2-1, दिस इज 315, ओके। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 5 इधर आएगा, 2-1 1 ही हो जाएगा, तो 5 6 जा 30, 5 3 जा 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर n, दिस इज 63 + 1, दिस इज 64। तो ये 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n = 2 की पावर 6, तो n = क्या हो गया, 6 हो गया। तो n जब 6 आ गया तो an क्या हो जाएगा, यानी an यानी a6, a r की पावर 5, 6-1, तो ar 5, तो ये हो जाएगा a हमारा क्या 5 है, r क्या है 2 की पावर 5, तो 32 × 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 160, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये 8th क्वेश्चन था हमारा। 8th क्वेश्चन के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th
नाइन्थ कह रहा है हमसे द फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी इज 1, द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जी पी। तो नाइन्थ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म ऑफ अ जी पी इज क्या है, 1 है, और आगे कह रहा था सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, ए थ्री प्लस ए फाइव हमको कह रहा 90 है, तो आपसे कह रहा कॉमन रेशियो ऑफ जी पी आर का मान, तो ए थ्री प्लस ए फाइव जो है हमारा 90 है, यानी ये ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4, दिस इज 90, ए क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90, तो r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो 10 9 या 90, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, r की पावर 4, इसको लिख सकते हैं लोग 10 r स्क्वायर माइनस 9 r स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0, तो r स्क्वायर कॉमन तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ से माइनस 9 कॉमन तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 10, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 10, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आर स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास प्लस माइनस 3, तो कॉमन रेशियो हमारे पास प्लस माइनस 3 आ चुका है। यही हमसे पूछ रहा था कि बताइए कॉमन रेशियो ऑफ जी पी क्या होगी। तो नाइन्थ के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ। टेंथ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जी पी इज 56, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1721 फ्रॉम दीज नंबर्स इन डेट ऑर्डर वी ऑब्टेन ऑन ए पी, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी तरफ से तीन नंबर मान लेते हैं जी पी का, लेट द थ्री नंबर्स बी ए आर ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो इन सभी का सम ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ही आपको दिया हुआ है 56, ये आपको 56 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप जो है सिंपली एक इक्वेशन तो बन चुका है, अब इनमें जो है हर एक में 1, 7, 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए पी बन जाएगा, तो इसको हम लोग ए माइनस 1 करते हैं और ए आर में माइनस 7 और ए आर स्क्वायर में माइनस 21, तो ये जो बन गया है ये क्या बन गया, ए पी बन गया है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो अब ये ए पी बन चुका है, तो ए पी का तो हमें पता है कि जो बीच का टर्म है वो इन दोनों के सम बाई 2 के बराबर होता है, यानी ए आर माइनस 7 इज इक्वल टू ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21 बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ए आर माइनस 14 और ये हो जाएगा हमारे पास ए आर स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस ए माइनस 22, ये हो जाएगा। अब इसको अगर और सॉल्व करें और सिंपलीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 इधर आएगा, तो ये 14 माइनस 22 तो ये हो जाएगा 8, तो माइनस 8 होगा, और इधर इसको ले जाएं तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर और ये प्लस 2 ए आर और ये माइनस ए, दिस इज अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 ए आर, दिस इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर हमारे को पहला और दूसरा मिल चुका है, अब इनको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस ए आर स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर, दिस इज 56 बाई 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए जो है कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन यहाँ से 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर, दिस इज 8 7 या 56, ये 7 हो गया हमारे पास। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस आर स्क्वायर, दिस इज 7 प्लस 7 आर स्क्वायर माइनस 14 आर, ये हो गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 6 आर स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 15 आर और यहाँ से ये प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारे पास।
अब इसको अगर और 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर और 5R और 3 से डिवाइड करें, दिस इज इक्वल टू 0। तो 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 जा 4, तो 5R को क्या लिख सकते हैं, 4R और R। तो 2R स्क्वायर माइनस 4R माइनस R प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2R कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास R माइनस 2, यहाँ से माइनस R माइनस 2, तो ये हो जाएगा R माइनस 2, दिस इज 2R माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो R इज इक्वल टू 2,1/2 हो गया। तो ये जो 2,1/2 है, यही आपका जो है कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो जब R आपको मिल गया तो आप A भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेन R इज इक्वल टू 2, पुट R इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रख देते हैं, तो ये हो जाएगा A तो कॉमन ले लिए, 1 प्लस R स्क्वायर दिस इज 56। तो यहाँ A 1 प्लस 2 स्क्वायर 4, दिस इज 56, 2 × 6 = 7, तो 7 × 8 = 56। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 8, A इज इक्वल टू 8 हो गया। अब जब करेंगे पुट R इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास A 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, दिस इज 56। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको करेंगे सॉल्व A, तो ये 4 प्लस 2 प्लस 1/4, दिस इज 56। तो ये हो जाएगा A 4 टू 6 प्लस 1 7, दिस इज 7/4 या 56। तो 7 × 8 = 8, 4 = 32, तो A 32 आ गया A की वैल्यू। तो यहाँ पर A की वैल्यू 8 आई, यहाँ पर A की वैल्यू 32 आई। तो हमें यहाँ पर कह क्या रहा था, इस क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द नंबर्स, है ना, दसवां ही क्वेश्चन है ना, हाँ फाइंड द नंबर्स कह रहा था। तो हमारे पास अब नंबर आ चुके हैं A, यानी पहले इस केस में क्या होगा, इस केस में नंबर होगा 8 कॉमा 8 × 2 = 16 और ये 8 × 4 = 32, ये होगा नंबर। और इस वाले केस में क्या होगा, 32 और फिर से हमारा 16 और फिर 8, इसका उल्टा हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं 10th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। तो 11th क्वेश्चन हमसे कह रहा है